हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बैग कंटेन रुपीज़ 114 इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ 1 50 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो 3:4:10। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। एक बैग है जिसमें 114 रुपीज़ हैं, किस फॉर्म में है? 1 रुपीज़ की फॉर्म में, 50 पैसे की फॉर्म में और 10 पैसे की फॉर्म में कॉइन्स हैं, ठीक है। और आपको रेशियो दिया हुआ है कॉइन्स का कि इसमें 1 रुपी के कितने कॉइन हैं, 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 10 पैसे के कितने कॉइन हैं। ये जो कॉइन्स हैं ये इस रेशियो में है, 3:4:10, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द बैग कंटेन 3x रुपीज़ 1 कॉइन्स। देखो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3:4:10, तो हम लेट भी इन्हीं नंबर्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम रुपीज़ 1 के कॉइन्स लेट करेंगे 3x, ठीक है। फिर हम फिफ्टी पैसे के कॉइन लेट करेंगे 4x, ठीक है। फिर 10 पैसे के कॉइन हम करेंगे 10x, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितने अब हमारे पास, 3x, ठीक है। सो वैल्यू क्या होगी 3x की रुपीज़ में, 3x इंटू 1 रुपीज़ की वैल्यू 1 है, तो 3x इंटू 1 कितना हो गया, 3x, ओके। नाउ नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हमारे पास, 4x। वैल्यू निकालेंगे हम 50 पैसा कॉइन्स की, ये हो जाएगा 4x इंटू 50 और ये जाएगा 200, ठीक है। सो 200x पैसा। अब 200x को हम किस में कन्वर्ट, ये पैसे में है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में। 200x पैसा को हम डिवाइड करेंगे बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 2x रुपीज़, ओके। नाउ 10 पैसा कॉइन्स कितने हमारे पास, 10x, ठीक है। सो 10 पैसा कॉइन्स की वैल्यू क्या होगी, 10x इंटू 10, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100x पैसा, और 100x पैसा में कितने रुपीज़ होंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100x एंड दिस इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स। सो हमारे पास टोटल सम कितना था, रुपीज़ 114। अब हम करेंगे इन सब को ऐड, 3x प्लस 2x प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 14, ओके। दिस इज इक्वल 3x प्लस 2x प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 140, यानी कि 6x इज इक्वल टू 140 और x की क्या वैल्यू होगी, 114 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू 19। नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो गए, 3x। अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 19। 3 × 19 इज इक्वल टू 57। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 4x हैं, 4 × 19 एंड दिस इज इक्वल टू 76, ठीक है। अब नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स एंड दिस इज इक्वल टू 10x, यानी कि 10 × 19 इज इक्वल टू 190। हमारे पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 57 और 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, 76 और 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, 190। होप यू वुड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।